हर एक चीज लिए धरने लाने पैंते हैं। हम असं ये धरना ला के बैठा रोड जाम करके बैठा की करिए असं दिल्ली बैठे जी। जी अपने एम एल ए साहब ने सड़क बनवाती उन्होंने धन्यवादी है, पर हूँ फिर रेत दी कंधा चालू हो जा रही जी। साड़ी सड़क 6 साल बाद मसी बनी अज्ज, असी कहना चाहते हैं कि वह जी खड्डा का जो कारोबार बंद किया जाए। माछीवाड़ा साहिब पुजे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू नूं उस वेले किसानां दे भारी विरोध का सामना करना पिया जद किसानी का भाषण दे रहे मंत्री सिद्धू नूं किसानां ने नजायज़ माइनिंग नजायज पटाका फैक्टरी बारे सवाल पूछने शुरू कर दिते। फिर किवें मंत्री बलबीर सिद्धू सवालों के गोल मोल जवाब दे के उत्थों बचते दिखाई दिते, आ तुसीं आप इस वीडियो देख लवो। अपरूवल ट्रस्ट सीगा वो कंस्टीट्यूट होया ते उहदे पहले जिहड़े चेयरमैन ने शक्ति रंजीत लाया गया तुहाडे शहर एग्जाम्पल ने, एक बहुत ही खुशी वाली ते बधाई वाली गल है। और प्लस मैं असल माना दे विच दशवें पातशाह दी 400 प्राप्त धरती हैगी है, उन्हां वास्ते भी एक बहुत वड्डा इह साडे इलाके नूं होना चाहीदा सी। बड़े लंबे समें दे लोकां नूं पुकार सी कि इस इलाके दी डिवेलपमेंट होवे, क्योंकि दशवें पातशाह जिथे जिथे गए ने वो सारे जगह के उत्ते बहुत लोगों ने डिवेलपमेंट की है, तो माछीवाड़ा डिवेलपमेंट की थोड़ा कमी से हम काफ़ी अच्छे तरीके डिवेलपमेंट हो गया। समराले के जिहड़ा इत्थे माछीवाड़े दे विच भी कोई हैल्थ सेंटर या होर कुछ बनाया जा रहा है? जिहड़ा है कि असी जिहड़ा समराले च एक मदर चाइल्ड होस्पिटल होंदा है, जिहड़ा जच्चा बच्चा केंद्र कहते हैं, वो माई दौलतां जिहड़ी सब तो पहला जिहड़े प्रथम पातशाह के दर्शन किए गुरु नानक देव जी के उहदे नां ते बनाउण जा रहा 30 बैड का। तो प्लस जो 3 थोड़े एक अपना हैबोवाल झाड़ साहब तो एक दूसरा अंबोवाल 5 ग्राइया ये 3 जिहड़ियां सब सेंटर से इन्होंने अपने प्राइमरी सेंटर बनाया। सर किन्नी लागत ना जिहड़ा जच्चा बच्चा केंद्र माई दौलतां दे नाम ते जिहड़ा बनाया जा रहा समराले दे उह ते जिन्नी भी लागत आएगी 30 बैड का होएगा। देखो गल इदा हैगी है, 2 कांग्रेस पार्टी पंजाब का प्रधान तो सीएम साहब का रुतबा बड़ा होंदा है, सारे इकट्ठे देखो जी लड़ांगे लड़ाई जितांगे। केड़ी रणनीति जिहड़ी अगली की हैगी है जिहड़ी चोणां नूं लैके 2022 दी नूं लैके किवें दी जिहड़ी पॉलिसी बनाई? देखो असीं डिवेलपमेंट दे नाम दे उत्ते वोटां मंगांगे, असीं जो 4.5 साल 'च विकास किया जो लोगों ने वादे किए थे जो असीं तकरीबन 90% पूरे कर ले ने, और बाकी जो 10% रहे वो भी अगले दिन पूरे कर। जी कल की एक रैली हुई है बड़ी किसानों की मुजफ्फरनगर उन्होंने किमें देते हो भी की? बिल्कुल ये मोदी की जिहड़ी कुर्सी किल साबित होणगे, उहदा कारण है कि मोदी कोई भी बंदा डेमोक्रेसी दे विच डिक्टेटरशिप कदे नहीं चलती। साडे पंजाब दे विच 2 दिन गन्ना उत्पादकों ने स्ट्राइक की सी, साडे मुख्यमंत्री साहब ने 3 दिन उन्होंने हक्क 'च फैसला दे के स्ट्राइक खत्म करवाई। और मोदी नूं भी साडे इस फैसले तो सबक लैना चाहिए कि जे उहदे 2 लफ्ज़ां नाल सारे हिंदुस्तान शांति हुंदी होवे ते उहदा क्रेडिट सारा उहनूं जाणा ना कि किसी होर नूं। किसान यूनियन जिहड़ियां कह रहियां ने कि इक साडे इक थल झंडे थले आ के लड़ाई लड़ी जाए, तो वक्खो वक्खरी जिहड़ियां पार्टियां ने अपने झंडे ते रखदियां ने, क्यों नहीं उहनां दे थले जा के लड़ाई लड़ रहियां? हर बंदे दे आपो अपने विचार हुंदे ने, हर पार्टी दा आपो अपने आइडियोलॉजी हुंदी है, उहदे मुताबिक काम करते पाए। तो जिहड़ा अगली जिहड़ी रणनीति की होगी जिहड़ी किसानों नूं किवें नाल लैके चलेंगे, जिवें अज्ज भी किसान इत्थे आए सीगे ते हुण कई पड़ाका फैक्टरी भी उहदे चलदी पई आ। देखो पड़ाका फैक्टरी जिहड़ी इलीगल घुसी गई है गैर कानूनी कहिंदे कह रहे ने, लेकिन उसकी बकायदा पूरी इनकुआरी करा के इन्वेस्टिगेशन कराने तो बाद असीं बंद करावांगे। तो रेते दीआं खड्डां की भी गल की गई है जिहड़ी उन्होंने कहा भी जिहड़ियां रेते दीआं खड्डां भी चलदियां जिन्हां ने साडियां सड़कां तक तोड़ दित्तियां ने नजायज़ चलदियां? नहीं नहीं, वो इदां हुंदा है कि जे कोई अप्रूवड हैगी आ सरकार वल्लों बकायदा मैनिंग डिक्लेयर कीती होई आ वो चल सकती है, लेकिन ये जरूर होएगा कि उत्थे बकायदा जिहड़े नियमां दी पालना जरूर होनी चाहिए। 4 कैबिनेट मंत्री नाराज़ ने, वो मन गए कि जे कोई नाराज़ नहीं है, सारे नाल ने। ठीक है, किसानों का इस मौके की कहना सी एक बार तुसीं जरा वो भी सुन लवो। तो नशा बहुत चलता, चिट्टा बहुत चलता है, बाकी फैक्ट्री का थोड़ा पता ही है, आगे देखो साढ़े 5 मिनट ज़्यादा नहीं 5 मिनट तुम्हें पता लग जाना भी की पता साढ़े को सह नहीं लै रहा, सैर नहीं कर रहे, लोग इन्ने डरे हुए हैं बीमारी तो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई बाहर नहीं निकले है, तुम देखो आ की है साढ़े पानी दूषित हो रहा, हवा सारा कुछ थोड़ी गल पहुंचा दें 15 दिन छड़ते हैं, जिवें कहता जिवें सानू तसल्ली नहीं हुई किसी नूं, हुई है किसी नूं तसल्ली नहीं हुई, सानू एक डोके यार करदे आ असीं इत्थे 8 किलोमीटर अंबोवाल बेट विखे, तो असी जिमें वीर ने दसी सारी गल दसी है, तो असं तो पहले ही बहुत दुखी हाँ जो काले कानून सरकार ने पास किए हैं,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਜੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਚੌਂਕ ਜੰਮ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹਾਈਵੇ ਜੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ? ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਾ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਗੱਡ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟਾਈਮਜ਼।